अपनी इस नदी से बहुत ऊपर आ चुका हूँ। ये कम से कम आई थिंक 300 या 200 मीटर ऊपर होगा। आप देख सकते हैं वो है नदी। और अभी गाइस मैं बहुत थक रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे 400 मीटर और चढ़ाई करनी है। सोच रहा हूँ कैसे करूँगा, आ तो गया लेकिन मज़े में जा नहीं पाऊँगा। और चलो अभी आगे देखते हैं मैं कैसे आगे चल सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 400 मीटर अभी मुझे इन स्टेप्स में ही चढ़ना है। उसके बाद मुझे आई थिंक 800 और अगर मैं आपको फुल डिस्टेंस बताऊं तो 1 किलोमीटर है मेरे विलेज के घर तक का। और गाइस आई मैं थक रहा हूँ, सोच रहा हूँ आराम कर लूँ। और गाइस ये है थोड़ा जंगल सा इलाका, यहाँ पे थोड़ा बाग का आई मीन जैसे शेर का बहुत डर रहता है। और गाइस हम अभी ऊपर जाते जाते मैं आपको एक स्केलेटन दिखाऊंगा, एक बफेलो का स्केलेटन दिखाऊंगा जिसको एक शेर ने खाया हुआ है आई मीन टाइगर ने। और देखिए यहाँ के पेड़ कितने लंबे लंबे हैं। सच कहूँ तो मुझे गांव में आके बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ लेपर्ड बहुत है, लेपर्ड। हाँ, यहाँ पेड़ है बहुत और लेपर्ड बहुत है, तेंदुआ। और यहाँ पे लेपर्ड माने तेंदुआ बहुत है, पेड़ में चढ़ चढ़ के किसी का शिकार कर लेते पता भी नहीं चलता। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला मैं आपको बफेलो का स्केलेटन दिखाऊंगा और वो रियल होगा गाइस, 100% रियल होगा। और इसको जिसको आई थिंक लेपर्ड ने खाया हुआ है। और अभी गाइस चलना हमें बहुत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने स्टेप चढ़ लिए, लेकिन अभी आगे बहुत स्टेप और बचे हैं। और देखिए जो मैंने आपको बताया था पोनी वो उधर है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा वो मुझे पता नहीं, लेकिन पे पोनी है, जा रहे हैं बहुत सारे। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। देखिए अभी हम एक खुली जगह में हैं, ट्रेन कह सकते हैं, और कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही है। घर जाके शायद मैं बिस्तर पे लेट जाऊँगा, बहुत थकान हो रही है। और गाइस मेरे हाथ में स्टिक भी है जिससे मैं अच्छे से चढ़ पाऊँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई एनिमल है जैसे स्नेक, बाद स्कॉर्पियो, माउंटेन लिज़र्ड एक्सेट्रा, और देखिए यहाँ से कितना तगड़ी है। देखने में तो लगता है ये 600 और 800 मीटर्स के बीच में हमने भी स्टेप्स चढ़ लिए हैं। खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो उस विलेज से हो आप सबने तो ये सब देखा ही होगा। विलेज से आप फिर उत्तराखंड की हमारे आसपास कोई विलेज से हो और अभी गाइस अब
अभी ये वाली वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, और अगली वाली वीडियो मैं बनाऊंगा जब हम ऊपर को और चढ़ाई करेंगे, जब हम आई थिंक हम दिन के 3-4 बजे करीब हम ऊपर जाएंगे। वहाँ पे एक मंदिर है माँ कालिका का, और वहाँ पे मेले लगेंगे, स्टॉल्स लगेंगे, मैं आपको सब दिखाऊंगा, पूरी लाइव स्ट्रीम कराऊंगा। गाइस प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, जहाँ का मजा ही कुछ और है। मैं सुबह से 1 ग्लास मिल्क और सिर्फ 2 रोटी खाई है अभी। वैसे यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों, शायद मैं एंटी एसाइड आ गया हूँ। अब यहाँ का टाइम टेबल कुछ अलग है, रात का अगर आप 11 बजे उठते तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ के सुबह के 4-5 बजे हैं। गाइस मौसम में कुछ और है, और गाइस मैं अभी रात को ट्राई करता हूँ कि अगर मैं आपको मौसम की पीछे भेज सकूँ तो आई होप कि मैं भेज सकूँ, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा बहुत होता है। और देखिए गाइस हम कितना ऊपर आ गए हैं, गाइस देखिए हम कितना ऊपर आ गए, हमने शायद 1 किलोमीटर हम ऊपर आ गए हैं, और 1 किलोमीटर हमने चार्ज कर भी लिया। देखिए हम कितना ऊपर हैं, और अभी मैं आपको उस बफेलो की स्केलेटन दिखाने वाला हूँ, जिसको एक लेपर्ड ने खाया था। अभी गाइस देख चलते हैं, देखते हैं गाइस, हम उसके ज़्यादा पास भी नहीं जाने वाले क्योंकि वहाँ पे बहुत स्मेल भी आ सकती है। देखिए गाइस बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और गाइस मैं बस इसके इतने पास जा सकता हूँ। गाइस पता नहीं वो जानवर था या क्या हैवान था, वो उसने इसे कितनी बुरी तरह खाया है, काटी ने झलक कर दिए, लिम्ब झलक कर दिए। गाइस देखिए मैं इसके बस इतने ही पास जाने वाला हूँ, बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक हफ्ते तक शायद ये ऐसी पड़ी हुई है। देखिए इसकी कार्टिलेज, इसकी बैकबोन, लिम्स, स्कल सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलो गाइस आज की वीडियो के इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।